देश भर में रथ यात्रा की धूम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी लोगों को बधाई। बिजली कटौती और बिजली के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में कल प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कोरबा में शुरू हुआ केंद्र सरकार का संपूर्णता अभियान, 6 इंडिकेटर के तहत तय किए गए लक्ष्य। और दंतेवाड़ा के जगरगुंडा में विस्फोटकों के साथ 5 माओवादी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मानसी साहू। अब समाचार विस्तार से। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। पुरी के ग्रैंड ट्रंक रोड पर भगवान के 3 रथों को ले जाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वार्षिक उत्सव में शामिल होने के लिए पुरी पहुंच चुकी हैं। रथों को श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के सामने रखा गया है और श्री गुंडीचा मंदिर ले जाने के लिए तैयार है, जहां पर वे 1 सप्ताह तक रहेंगे। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भगवान जगन्नाथ के देश और विदेश के अनगिनत श्रद्धालु रथ पर सवार भगवान के 3 रूपों को देखने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने भगवान जगन्नाथ से सभी की प्रसन्नता, शांति और संपन्नता की कामना की। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। रथ यात्रा की जड़ें प्राचीन भारतीय परंपराओं से जुड़ी हुई हैं और वे श्रद्धा, एकता और समृद्ध धरोहर के प्रतीक हैं। उपराष्ट्रपति ने भगवान जगन्नाथ की पवित्र यात्रा से लोगों के जीवन में प्रसन्नता और आध्यात्मिक जागरूकता की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में भगवान जगन्नाथ के प्रति सम्मान व्यक्त किया और कामना की उनकी कृपा देश पर सदैव बने रहे। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देश के कई भागों में बहुत ही श्रद्धा और उल्लास पूर्वक देशवासी मनाते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जगरनॉट, और उसका मतलब होता है ऐसा भव्य रथ जिसे कोई रोक नहीं सकता। और इस जगरनॉट का डिक्शनरी मीनिंग में भी ये पाया जाता है कि जगन्नाथ के रथ के साथ में से ही ये शब्द का उद्भव हुआ है, और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुनिया ने भी जगन्नाथ इस यात्रा को अपने अपने तरीके से किस प्रकार से महात्म्य स्वीकार किया है। जगन्नाथ जी भगवान गरीबों के देवता, और उनका पूरा पूजन अर्चन कार्यभार गरीब तबके के लोगों के साथ एक आत्मीयता का नाता जोड़ने वाला है। भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद से सदियों से कितने ही गरीबों को भोजन मिलता रहा है। इसी भावना के साथ आज देश जन सेवा ही प्रभु सेवा की सांस्कृतिक सोच से आगे बढ़ रहा है। पूरी जैसे तीर्थ, जगन्नाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थान इसके केंद्र रहे। मैं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम भी। राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण आयोजन को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों के 180 प्लाटून तैनात किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। रथ यात्रा के दौरान ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और कई केंद्रीय मंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। राज्य सरकार ने रथ यात्रा के लिए ओडिशा में 2 दिन का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी रथ यात्रा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन रथ यात्रा के अवसर पर गायत्री नगर रायपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की।
एवं भगवान के प्रथम सेवक के रूप में छेरा पहरा की रस्म निभाई। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित रथ यात्रा में शामिल हुए। रथ यात्रा शुरू करने से पहले भगवान की प्रतिमा को रथ तक लाया गया और रास्ते को सोने के झाड़ू से साफ भी किया गया। इस रस्म को छेरा पहरा का रस्म कहा जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व ओडिशा के लिए जितना बड़ा उत्सव है उतना ही बड़ा छत्तीसगढ़ के लिए भी है। महाप्रभु जगन्नाथ जितने ओडिशा के लोगों को प्रिय हैं उतने ही छत्तीसगढ़ के लोगों को भी प्रिय हैं और उनकी जितनी कृपा ओडिशा पर रही है उतनी ही छत्तीसगढ़ पर भी है। श्री साय ने कहा कि भगवान जगन्नाथ किसानों के रक्षक हैं और उन्हीं की कृपा से बारिश होती है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बिजली कटौती और बिजली के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस सोमवार 8 जुलाई को राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार पर पूरे समय बिजली नहीं दे पाने का आरोप लगाया है और इसके बाद भी सरकार ने बिजली के दामों में 80% तक बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर बिजली दर में 8% से अधिक की बढ़ोतरी को वापस लेना चाहिए। प्रदेश की जनता महंगाई से पीड़ित है, इस दशा में बिजली के दर में बढ़ोतरी करना महंगाई से जख्मी जनता के जख्मों पर नमक छिड़कना है। पूरे प्रदेश के ब्लॉक स्तरों में बिजली कटौती एवं बढ़ी हुई बिजली दर को लेकर प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है। वो इसलिए कि भाजपा सरकार पूरे समय प्रदेश की जनता को बिजली नहीं दे पा रही है, ऊपर से बिजली के दामों में 80% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे सीधा सीधा छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग 45 से 50 लाख उपभोक्ताओं को प्रभावित कर रही है और कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से 24 घंटा बिजली पूरे प्रदेश में मिल नहीं पा रही है। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के राज में आम आदमी और आदिवासी अपने को असहाय महसूस कर रहा है। कहने को तो प्रदेश का मुखिया आदिवासी है लेकिन वह आदिवासियों को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। आदिवासी समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। सत्तारूढ़ दल के लोग अपराधियों के पैरोकार बन गए हैं। पुलिस की PCR वैन तो वसूली वैन बन चुकी है जो नशाखोरों अपराधियों को चंद रुपयों के बदले संरक्षण देती है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में भारतीय शिक्षण मंडल के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें प्रमुख रूप से विभिन्न देशों के क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ और शिक्षाविद भी शामिल हुए। भारतीय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने बताया कि आज के समय में भारतीय भाषाओं के लिए पाठ्यक्रम एक बड़ी चुनौती है, इस पर राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन किया गया। भारतीय शिक्षण मंडल जो देश की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयता लाने के प्रयास में पिछले 50 साल से अधिक समय से काम कर रही है, उसके अलग अलग प्रांत प्रमुखों की ये बैठक है। तो इसमें देश के सभी प्रांतों से लगभग 250 से ज़्यादा प्रतिनिधि आए हुए हैं जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, अखिल भारतीय संस्थाओं के निदेशक, जाने माने शिक्षाविद, ऐसे बहुत सारे लोग आए। भारतीय शिक्षण मंडल के संगठन मंत्री BR शंकरानंद ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार और चिंतन के लिए यह बैठक आयोजित की गई है। वहीं ओडिशा प्रांत से संगोष्ठी में शामिल होने आए डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि संगठन इस बात को लेकर चिंतित है कि भारतीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध हों जिससे पढ़ने लिखने में कोई समस्या न हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति चुनौती समाधान और भारतीय भाषा का योगदान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में देशभर के शिक्षाविद शामिल हुए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार का संपूर्णता अभियान प्रदेश के कई जिलों में चलाया जा रहा है। इस अभियान का शुभारंभ आकांक्षी जिला कोरबा में शनिवार को किया गया। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की उपस्थिति में इस अभियान का शुभारंभ किया गया। मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि कोरबा जिला केंद्र सरकार की आकांक्षी जिले की सूची में दर्ज है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी विकास खंडों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि एवं सामाजिक क्षेत्र में सुधार के लिए निर्धारित किए गए 6 इंडिकेटर में प्रगति लाने के लिए विशेष गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें हमारा 2-3 ब्लॉक काफ़ी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उसको आगे कैसे बढ़ा सकें, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पर आज के यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। और यह 4 जुलाई से कार्यक्रम लागू हो चुका है और इसको 90 दिवस में हम लोगों को संपूर्ण इस काम को पूरा करना है। लगभग एको ब्लॉक आकांक्षी में है, पिछड़ा क्षेत्र में है, उसको कैसे हम ऊपर उठा सकें, इसके लिए कार्य योजना बनाकर काम किया जा रहा है। कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत ने बताया कि प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर संपूर्णता अभियान का आगाज किया गया है। इसके तहत आगामी 3 महीने के भीतर स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और कृषि विभाग के द्वारा 6 इंडिकेटर के तहत जिले के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देश पर आज कोरबा जिले में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत आगामी 3 महीनों में स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग और महिला बाल विकास विभाग, इन तीनों विभागों के 6 इंडिकेटर, साथ में जो NRLM है उनके भी 1 इंडिकेटर्स को 3 महीने में 100% उस इंडिकेटर पर जिले को टारगेट अचीव करना है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को टेक होम का राशन, स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण, कृषि विभाग में सॉइल हेल्थ कार्ड और NRLM के तहत जितनी भी समूह हैं उनको रिवॉल्विंग फंड दिए जाने के लक्ष्य को आगामी 3 महीने में 100% पूर्ण करना है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के आकांक्षी जिला में शामिल कोरबा आदिवासी बाहुल्य जिला है। यह जिला प्रशासन द्वारा नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत 6 संकेतक को संतृप्तता करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से हितग्राहियों को सीधे तौर पर लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। दंतेवाड़ा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने सर्चिंग के दौरान 5 माओवादियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को बरामद किया है। सभी गिरफ्तार नक्सली चिंतलनार थाना क्षेत्र के निवासी हैं। बताया गया है कि मुखबिर की सूचना पर 6 जुलाई को थाना जगरगुंडा से जिला बल DRG एवं बस्तर फाइटर की संयुक्त पार्टी एरिया डोमिनेशन के लिए कुदेड़ व आसपास के क्षेत्र की ओर रवाना हुई। तभी जगरगुंडा से आगे सिंगावरम मोड़ के पास सादे वेशभूषा में कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखे, जो जवानों को आता देख छिपने की कोशिश करने लगे, लेकिन घेराबंदी कर जवानों ने 5 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्तियों ने बताया कि वे नक्सल संगठन में सुरपन गुड़ा RPC अंतर्गत मिलिनीशिया सदस्य के पद पर कार्य कर रहे हैं। जवानों ने उनके पास रखे थैले की चेकिंग की, जिसके बाद उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि बड़े नक्सलियों के कहने पर सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए यह सामग्रियां रखी गई हैं। पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में रथ यात्रा की धूम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी लोगों को बधाई। बिजली कटौती और बिजली के दाम में बढ़ोतरी के विरोध में कल प्रदर्शन करेगी कांग्रेस।
कोरबा में शुरू हुआ केंद्र सरकार का संपूर्णता अभियान, 6 इंडिकेटर के तहत तय किए गए लक्ष्य। और दंतेवाड़ा के जगरगुंडा में विस्फोटकों के साथ 5 माओवादी गिरफ्तार। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।